इंडियन ऑटो मार्केट में चीनी कार की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी तक तो इंडिया की मोबाइल मार्केट में चाइनीज कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी चाइना एंट्री करके अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को उतार सकता है। हेलो एंड वेलकम टू ऑटो नेस्ट, मैं हूँ अंकित पाल। चाइना की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक BYD अब भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार उतारने वाली है, जिससे दूसरी कार कंपनीज की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन कार यूजर्स को 3 नए धमाकेदार कार के ऑप्शंस मिल सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। चाइना की टेक्नोलॉजी में आगे आज अमेरिका की अकड़ भी ढीली पड़ गई है। पेन से लेके मिसाइल तक कोई भी देश टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से नहीं जीत सकता, क्योंकि अपनी छोटी सी आंखों से चाइनीज जितने मर्जी बड़े सपने देख ले, उन्हें पूरा करने का दमखम भी रखते हैं। और उन्हीं छोटी आंखों से अब चीनी इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी राज करने का सपना देखा जा रहा है। चीन की बड़ी कार कंपनी BYD, जिसका पूरा नाम बिल्ड योर ड्रीम्स, ये कंपनी वैसे तो इंडिया में काफी टाइम से अपनी कार बेच रही है, लेकिन अब खबर ये मिली है कि दिवाली से पहले BYD भारत में अपनी 3 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करके सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनियों को चैलेंज कर सकती है। हम इससे पहले भी अपनी हर वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे इस वक्त हमारे देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर हर विदेशी कार कंपनी के लिए एक हॉट मार्केट बन चुका है। MG, किया के बाद वॉल्वो, BMW जैसे बड़ी कंपनियां यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, एक के बाद एक इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही हैं। और अब चाइनीज कंपनी BYD के इस ऐलान के बाद ऑटो सेक्टर में और भी गर्मी आ गई है। आप कह सकते हैं कि सर्दी आने से पहले ऑटो मार्केट का पारा हाई होने वाला है। अब BYD की आने वाली इन 3 कारों को देख लीजिए आप। देखने में ये कार जितनी स्टाइलिश और लग्जूरियस है, टेक्नोलॉजी में भी उतनी ही अव्वल है। मार्केट खबरियों की माने तो इंडिया में यही 3 कारें लॉन्च हो सकती हैं, जिनका नाम है BYD Seal, BYD Atto 3 और BYD Dolphin। कंपनी का दावा है कि सेफ्टी के मामले में भी ये कारें सबसे मजबूत होंगी। ऐसा कहा जा सकता है कि ये कंपनी आने वाले वक्त में भारत में ही अपनी कारें मैन्युफैक्चर भी करेगा, जहां हैचबैक से लेकर सेडान और SUV हर तरह की कारें तैयार की जाएंगी। टेक्नोलॉजी एंड रेंज में ये कंपनी अपनी कारों में ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से कार 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दिखा सकती है। अभी भारत में BYD की एक MPV कार मौजूद है, जो सिंगल चार पर 415 किलोमीटर की रेंज दे रही है। कब तक होगी लॉन्च? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कंपनी भारत में अपनी कार्स उतारने में जल्दबाजी नहीं करेगी। कंपनी पहले 2023 में होने वाले ऑटो एक्सपो में अपनी नई कार्स को शोकेस करेगी और पब्लिक रिव्यू लेगी, उसके बाद ही देश में कारें लॉन्च की जाएंगी। BYD E6 इन इंडिया। कंपनी की मौजूदा MPV कार BYD E6 पहले से इंडिया की सड़कों पर दौड़ रही है। कार को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। BYD E6 में बेहतर बूट स्पेस के साथ ज्यादा लेग रूम भी मिलता है। साथ ही कंपनी कार में एंटर किए बगैर AC ऑन करने की सुविधा देती है, जो अभी तक इंडिया की किसी भी कार में मौजूद नहीं है। रेंज की बात करें तो ये कार सिंगल चार्ज पर 415 किलोमीटर चलती है। BYD E6 में बेहतर बूट स्पेस और ज्यादा लेग रूम मिलता है। साथ ही कंपनी कार में एंटर किए बगैर AC ऑन करने की सुविधा देती है, जो अभी तक इंडिया के किसी भी कार में मौजूद नहीं है। रेंज की बात करें तो कार सिंगल चार्ज पर 415 किलोमीटर चलती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आने वाली इस कार की एक्स शोरूम कीमत करीब 29 लाख रुपए है। अब देखने वाली बात यह होगी कि BYD E6 की तरह कंपनी की बाकी आने वाली कारों को इंडिया में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।